किडनी रोग में ये चार फल खाना बहुत ज़्यादा अनिवार्य है। ये चार फल जो मैं आपको आज बताने वाला हूँ, इसके अंदर भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो पाए जाते हैं। किडनी में जब रोग लग जाता है तो जो किडनी होती है, ब्लड में इलेक्ट्रोलाइट्स का बैलेंस सही से नहीं बना पाती है, जिसकी वजह से पोटेशियम, फास्फोरस और भी बहुत तरह के इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं वो बढ़ने लग जाते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे रोग होने लग जाते हैं, जैसे कि हार्ट की बीमारी होने लग जाती है, सेल्स डैमेज होने लग जाते हैं एक किडनी रोगी को। तो चलिए एक एक करके जानेंगे इन सभी फलों के बारे में और साथ में जानेंगे कि इस फल को लेने से आपको क्या फायदा होगा और ये फल आपको कितनी मात्रा में लेना चाहिए। काले अंगूर के अंदर हरे अंगूर और लाल अंगूर से कहीं अधिक मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं। जो काले अंगूर होते हैं वो एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं और काले अंगूर जो होते हैं वो खट्टे नहीं होते बल्कि मीठे होते हैं। इसके अंदर जो पोटेशियम होता है वो एक सीमित मात्रा में पाया जाता है और सबसे ज़्यादा तो काले अंगूर जो होते हैं वो शरीर के जो सेल्स होते हैं उसको डैमेज होने से बचाते हैं और जो सेल्स डैमेज हो चुके हैं, जो कोशिका डैमेज हो चुकी है, उन कोशिकाओं को नई ऊर्जा देते हैं और उनको फिर से रिपेयर करने की ताकत रखते हैं। इसलिए अंगूर जरूर खाने चाहिए और अंगूर के अंदर आपको काले अंगूर का प्रयोग सबसे ज़्यादा करना चाहिए। अब जानते हैं कि एक किडनी रोगी कितने अंगूर खा सकता है एक दिन में। तो एक किडनी रोगी 50 ग्राम अंगूर एक दिन में आराम से खा सकता है। पपीता ऐसा फल होता है जो पाचन के विकारों के लिए भी जाना जाता है और जो पपीता होता है उसके अंदर विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई की मात्रा बहुत अधिक भरपूर पाई जाती है। किडनी रोगी के जो TLC काउंट होते हैं वो बढ़ने लग जाते हैं और TLC काउंट बढ़ने की वजह से उसके शरीर के अंदर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाते हैं, जिसकी वजह से उसकी मृत्यु होने का भी खतरा बढ़ने लग जाता है। तो इसलिए पपीता किडनी रोगी को ज़रूर खाना चाहिए और पपीते के अंदर ऐसे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो कि TLC काउंट को बढ़ने से रोकते हैं और आपका TLC काउंट सामान्य रखते हैं। इसलिए किडनी रोगी को डेली कम से कम नहीं तो एक पीस पपीते की जरूर खानी चाहिए। अमरूद एक ऐसा फल है जिसको अमृता भी बोला जा सकता है। अमरूद के अंदर ब्लड शुगर को कम करने की शक्ति होती है। अमरूद बढ़े हुए ब्लड शुगर को कंट्रोल में करता है और बढ़े हुए ब्लड प्रेशर को भी मेंटेन करके रखता है। अमरूद LDL कोलेस्ट्रॉल को कम करके HDL कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है और साथ में आपकी इम्यूनिटी को भी बहुत अधिक मात्रा में बूस्ट करता है। तो आप आधा अमरूद खा सकते हैं एक दिन में। सेब एक ऐसा फल है जो हमेशा इसके बारे में बहुत सारी बातें, बहुत सारी जानकारियां आपको मिलती रहती होंगी। डॉक्टर भी सेब को खाने के लिए बोलते हैं। डॉक्टर भी बोलते हैं कि एक सेब आप डेली खाते हैं तो आप बहुत सारे रोगों से दूर रहते हैं, क्योंकि सेब के अंदर बहुत अधिक मात्रा में फाइबर पाया जाता है और जो फाइबर होता है वो आपके कोलोन को साफ़ करता है। कोलोन मतलब आपकी आंतों की सफाई बहुत अच्छे से करता है और जब आपकी आंतों की सफाई अच्छे से हो जाती है तो आपको बहुत सारे रोगों से बचाव मिलता है और जो सेब होता है वो आपके इम्यून सिस्टम को भी बहुत अधिक मात्रा में बूस्ट करता है, जिससे आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ने लग जाती है। शाम का टाइम जब होता है, जब शाम को भूख लगती है, मिक्स फ्रूट को काटें, जैसे पपीता ले लें, अमरूद ले लें और थोड़े से ग्रेप्स के दाने ले लें और सेब ले लें, ऐसे करके मिक्स फ्रूट बना लें 100 ग्राम के आसपास और इनका प्रयोग शाम को जरूर करें। तो फ्रेंड, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और प्लीज़ वीडियो को शेयर जरूर करते रहिए।